अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने मेरे रिसेंटली वीडियोस पे देखा, मैंने जो व्लॉग बनाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने वो बनाई फूड प्रोडक्ट्स के, बाहर जो आउट ऑफ कंट्री में फूड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, किस क्वालिटीज़ के होते हैं और क्या क्या प्राइजेज होती हैं, तो ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा एक नया प्रोडक्ट है, वो बहुत ही फेमस और बहुत ही वो पॉपुलर, यानी कि नॉर्मली हर डिश के साथ वो खाया जाता है अरब कंट्रीज़ में। जैसे कि मैं दुबई में रहता हूँ यहाँ पे, और जो लोग ज़रे अरब कंट्री में रहते हैं या हो कि आए हुए हैं, उनको पता होगा कि ये चीज़ है वो, जिसको हम कहते हैं, ये देखिए आप, इस कॉल अरेबिक ब्रेड। इसको हम कहते हैं अरेबिक ब्रेड और खुबस कहते हैं। अरेबिक ब्रेड इंग्लिश में कहा जाता है, अरबी में इसको कहा जाता है खुबस। ये खुबस है, ये जैसे हमारे शौरमे की रोटी होती है वैसी नहीं है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हाँ, और ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अरेबिक ब्रेड है, इसका नाम है जी खुबस। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, HACCP रजिस्टर्ड हुई हुई है ये, ठीक है। और ये मेड इन जो है, ये मेड इन अजमान से बन के आई हुई है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेड इन अजमान। अजमान भी एक दुबई की सिटी है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अजमान दुबई की सिटी है, वहाँ से बन के। मेरा कहने का, वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि ये अरेबिक ब्रेड डेली फ्रेश बनती है, और यहाँ पे नॉर्मली क्या खाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रेड जो है वो डेली खाई जाती है, चाहे वो आप, ये लोग ब्रेकफास्ट के साथ भी अरबी खा लेते हैं, और लंच के साथ भी खाते हैं इसको, डिनर के साथ भी खाते हैं। और इसके अंदर 5 पीस होते हैं टोटल, 5 हैं बड़े बड़े पीस, और इसकी प्राइस जो है वो ओनली 3 दरम की। यहाँ के तो ओनली 3 दरम बनते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी करेंसी से कन्वर्ट करें तो वो 120 रुपए की बनती है, 120 रुपए की। इसके अंदर 5 रोटियाँ, 5 खुबस हैं, यानी कि 3 दरम की, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइट वेट, कुछ खा के आपको हैवी फील नहीं होता, और बड़े ही मज़े की लगती है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी पैकिंग है और कितनी साफ़ सुथरी बैठ है, लेकिन इसकी चीज़ और है कि इसको आप 2-3 दिन से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दुबई में हैं, देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की अरेबिक ब्रेड है, कितनी अच्छी पैकिंग हुई हुई है और कितनी अच्छी ब्रेड है, आपको नज़र आ रही होगी, देखें देखें ज़रा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो आज की पसंद आई होगी, और पहले की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक किया करें और बेल के आइकन का जरूर दबाया करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ मेरी वीडियो को शेयर किया करें, और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, तो वो मैं सब चीज़ें जो है आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा, कोई भी खाने की फूड आइटम्स और कोई भी चीज़ आप दुबई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएँ, इंशाल्लाह मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करके आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, और कोविड से अपना जो है एहतियात करें, मास्क पहन के निकलें, मास्क पहन के जाएं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।